चलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का गणित पढ़ रहे थे, ठीक है? हम लोग क्लास 9th का क्या पढ़ रहे थे? गणित, ठीक है? हम लोग इसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने विभाजकता के नियम सीखे थे। बच्चों, क्या आपको याद है पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो विभाजकता का नियम सीखा था। अब यहाँ से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक सवाल है, ये सवाल आप सभी को करना है, ठीक है? ये सवाल आप सभी को क्या है करना है, और इसका उत्तर कहाँ पे देना है? तो बेटा, इसका उत्तर देना है पोल सेक्शन में। इसीलिए मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन बेटा ऑन कर देता हूँ, ठीक? सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे इस सवाल को लगाइए, ठीक है? बहुत ही प्यारा सा सवाल है। पिछले क्लास में मैंने ये आपको सिखाया हुआ था। सारे बच्चे बताएंगे। ठीक है बच्चों, सारे बच्चे बताएंगे। बेटा 10 सेकंड, और 10 सेकंड के बाद हम ये पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे, ठीक है? सिर्फ 10 सेकंड। आपको इस सवाल को लगाने के लिए 10 का विभाजकता का नियम मालूम होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको 10 का विभाजकता का नियम मालूम है तो आपका उत्तर सही आ जाएगा। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा चैट सेक्शन में। चैट सेक्शन में बताइए इसका उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है? तो कुछ बच्चे सही उत्तर कर रहे हैं, कुछ बच्चे गलत उत्तर कर रहे हैं, ठीक? तो सही उत्तर क्या होगा? अब बच्चों ध्यान से देखना। तो 10 से विभाजकता का नियम ये था कि अगर अंतिम अंक, ठीक है बेटा, अगर अंतिम अंक किसी भी संख्या का, या फिर दूसरे शब्द में बोला जा सकता है इकाई का अंक, ठीक है बेटा, इकाई का अंक, या तो अंतिम अंक या फिर इकाई का अंक अगर शून्य है तो वह संख्या पूरी तरीके से 10 से क्या होगी? विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने लिखा 530, तो बेटा ये विभाज्य होगी 10 से। क्यों? क्योंकि इसका जो अंतिम अंक है या फिर इकाई का अंक है वो क्या है? शून्य है। लेकिन अगर मान लो मैंने लिखा 632, तो बेटा ये विभाज्य नहीं होगा क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 है जो कि शून्य नहीं है, है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है अंतिम अंक, नहीं होगा विभाज्य। 6 है, नहीं होगा विभाज्य। 9 है, नहीं होगा विभाज्य। तो बी वाला उत्तर सही होगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? शून्य है। बताओ बच्चों, आई बात समझ में? तो सिर्फ बी वाला पार्ट सही होगा, बाकी उत्तर गलत होंगे। तो बच्चों ध्यान से सवालों को लगाया करो, ठीक है? अगर आपको नियम मालूम है तो आप अच्छे से लगा सकते हैं। रोहित के नाम से एक बच्चा है, कुछ डाउट है क्या आपका रोहित?
अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ लीजिए चैट बॉक्स में। किसी का कुछ भी डाउट है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। नहीं बेटा, आप चैट बॉक्स में बताइए, ठीक है? हमने बंद किया है, हमने माइक सभी का बंद किया है, क्योंकि कुछ बच्चे अननेसेसरी माइक ऑन कर रहे थे, इसलिए मैंने सबका माइक बंद कर दिया, ठीक है? तो अभी के लिए चैट में बताइए। ओके बच्चों, चल अब ये नेक्स्ट सवाल है, ये नेक्स्ट सवाल है। सबका बंद किया है बेटा, रोहित, रोहित के नाम से जो भी है, मैंने सबका बंद किया, सिर्फ आपका नहीं, सबका, ठीक है? तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे अननेसेसरी माइक ऑन कर रहे थे, उस चीज को देखते हुए ऐसा किया गया है। चलिए सारे बच्चे इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए, ठीक है? बच्चों सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 10 सेकेंड, ठीक है? इन 10 सेकेंड के बाद हम पोल को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है? तो जल्दी से इसका उत्तर करिए। ओके बच्चों, अब हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, ठीक है? चलिए चैट में इसका आंसर बताइए। चैट बॉक्स ऑन हो गया है। ओके ओके, देख लेते हैं, ठीक है? देख लेते हैं इसको बेटा। देखो इसका रूल क्या था, इस वाले का रूल क्या था, अगर 11 से विभाजकता का नियम अगर हम देखना चाहें तो जो भी संख्या दी गई है, ठीक है, समझिएगा, जो भी संख्या दी गई है इसमें अल्टरनेट क्रम पर, है ना, एकांतर क्रम पर हम अंकों को जोड़ते हैं। तो मान लेते हैं ये पहला वाला अंक है, ये दूसरा वाला अंक है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। तो पहले वाले अंक को जोड़ना है तीसरे वाले अंक से, तीसरे को जोड़ना है पांचवे वाले अंक से, तो 8 + 7 + 4। फिर दूसरे वाले अंक को जोड़ना है चौथे वाले से, और चौथे वाले को जोड़ना है छठे वाले से, यानी कि 7 + 6 + 6, तो 8 7 15, 15 4 19, 7 6 13, 13 6 19, बेटा 19 होगा ना? हाँ ठीक है। तो बेटा इसको भी जोड़ने पे 19 आ रहा है और इसको भी जोड़ने पे 19 आ रहा है। अब इन दोनों ही संख्याओं को घटा देते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो बताओ 19 में से 19 जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो रूल भी यही था कि अगर घटाने पर 0 आए या फिर 11 का गुणक आए, जैसे 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, है ना, तो वह जो संख्या होती थी वह क्या होगी, वह 11 से विभाज्य होगा। तो जो बेटा सही उत्तर होगा वो ए वाला पार्ट होगा, सही वाला उत्तर होगा वो कौन सा वाला पार्ट होगा, ए वाला पार्ट। एक सेकेंड, ये वीरेंद्र चौहान के नाम से कौन है, वीरेंद्र चौहान, मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूं, ठीक है?
मैं तुम्हें क्लास से बाहर कर रहा हूं अभी के अभी। बाकी बच्चे बताइए, क्या सभी को समझ में आया? बाकी लोग बताएंगे बेटा, क्या आप सभी को समझ में आया? ओके ठीक है। तो संजय कुमार के नाम से एक बच्चा है, वीरेंद्र चौहान के नाम से एक बच्चा है, तो इन लोगों ने अननेसेसरी टाइप किया। राकेश दिलौर के नाम से एक बच्चा है, ठीक है। तो इन तीनों को ही मैं क्लास से अब क्या करूंगा? बाहर, ठीक है। इन तीनों को ही मैं क्लास से बाहर करूंगा। चलो, मैंने इन तीनों को ही बाहर कर दिया है, बस एक और बचा है। कौन है? एक सेकंड। यस बच्चों, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताइए, नहीं आ रहा है? ओके, कोई बात नहीं, मैं दोबारा से सिखा देता हूँ। विनीता बेटा, आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो। विनीता के नाम से जो बच्चा है, एक बार बेटा आप क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, अभी आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो मैं दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। दरअसल होता ये है बच्चों, आपको ये रूल सीखना पड़ेगा। अगर आपने ये रूल नहीं सीखा ना, तो आप ये नहीं कर पाओगे सवाल बेटा। ये रूल ही 11 का रूल ही इसी प्रकार से है। तो 11 का रूल क्या है? जो अल्टरनेट क्रम पर है, देखो ये जो मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, ये क्या है? ये नंबरिंग की है मैंने। किन की नंबरिंग की है? इन संख्याओं की नंबरिंग की है कि वे किस स्थान पे हैं। अगर मान लो तुम यहाँ पे खड़े हो जाते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो तुम खड़े हो जाते हो और इन नंबरों के नीचे से तुम्हें गुजरना है, ठीक है। इन नंबरों के नीचे से तुम्हें क्या करना है? गुजरना है। तो बताओ सबसे पहले वाले स्थान पे कौन पड़ेगा? बताओ बेटा सबसे पहले वाले स्थान पे क्या पड़ेगा? कौन सा वाला नंबर पड़ेगा पहले वाले स्थान पे? अच्छा ठीक है, मैं माइक ऑन कर देता हूँ। चलो मैंने माइक ऑन कर दिया, ठीक है। चलो बताओ बेटा, मैंने माइक ऑन कर दिया बेटा, बताओ। रोहित, क्या बेटा रोहित के नाम से एक बच्चा था, बताइए। सर? बेटा आपसे नहीं हम बोल रहे हैं, आप माइक बंद करिए। रोहित, माइक ऑन हो गया बेटा, माइक ऑन करके बोलो अपनी यस परेशानी। सर, हाँ यस बताओ सर। सर बताओ परेशानी। सवाल था वो बता रहे थे। हाँ क्या? सर आपने कहा था जिसके पीछे 11 हो या फिर 0 हो वही ठीक होगा। नहीं बेटा, मैंने उस टाइम जो बताया था रूल, वो 10 का बताया था। और 10 का रूल ये था कि अंतिम अंक है ना, अंतिम अंक 0 हो जाना चाहिए। तो उस हिसाब से मान लो अगर 530 है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 से कट जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। 10 से क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन अगर अगर 11 का रूल का बात करोगे, तो इसका रूल यही होता है जो मैंने अभी तो सिखाया था। इसको सीखने का प्रयास करो। अगर मान लो अंत में 11 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी तरीके से कट जाएगा, ठीक। आई बात समझ में रोहित बेटा? ओके सर, यस सर। सर माइक ऑन रहने दो, हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? माइक ऑन रहने दो, कुछ सवाल होगा तो पूछ लूंगा। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ऑन रहने देता, लेकिन ये कुछ बच्चे शरारत करने लगते हैं। कोई बात नहीं, मैं सर माइक इनकी क्लास से बाहर कर दो।
कोई बात नहीं, मैं माइक को ऑन ही रखता हूँ, ठीक है, चिंता मत करिए। मैं माइक को ऑन ही रखता हूँ, ठीक। चलो आप सभी लोग बताओ, ठीक है, पहले वाले स्थान पे क्या आएगा बेटा, पहले वाले स्थान पे बताओ। सर चार चार आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर चार और दूसरे वाले स्थान पे सर बताइए फोर क्या है। सर छह छह। तीसरे वाले स्थान पर, सात बहुत सही। चौथे वाले स्थान पर, छह फिर पांचवे वाले स्थान पर, आठ आठ और छठे वाले स्थान पर। ठीक, सात सात चलो अब सारे बच्चे माइक बंद कर लो, सारे बच्चे माइक बंद कर लो, ठीक। देखना बेटा, इस सवाल को मैं सिखाता हूँ, आप सभी लोग सीखने का बस प्रयास करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको बोला, ठीक है, कि इस प्रकार से अगर अल्टरनेट क्रम पर नंबर्स पढ़ रहे हैं तो इनको लेने में कोई बुराई नहीं है। ऐसे देखो, ऐसे पहले पहली वाली संख्या को लेना है, फिर तीसरी वाली संख्या को, फिर पांचवी वाली संख्या को। तो पांचवी वाली संख्या है बेटा आठ, तीसरी वाली संख्या है बेटा सात, और बेटा पहली वाली संख्या क्या है, चार। इनको जोड़ देना है, आठ सात पंद्रह, पंद्रह चार उन्नीस, उन्नीस आता है। इसी प्रकार दूसरे वाले स्थान पे जो संख्या है, चौथे वाले स्थान पे जो संख्या, और छठे वाले स्थान पे जो संख्या है, इन तीनों को आपस में जोड़ देना है। तो हेलो जोड़, हेलो हेलो हेलो, सर, आपकी वो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। बाकी बच्चे बताएंगे, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर जी एस बना रहा है, कुछ दिख अच्छा, नहीं रहा सर जी। जी एक काम करो नीरज बेटा, एक काम करो, आप क्लास को सर दोबारा से ज्वाइन कर लो, जी सर ठीक है। तो 7 प्लस 6 प्लस 6, 6 6 12, 12 7 19। तो बताओ यहाँ पे ये भी 19 और ये भी 19। मैंने कहा था ये जो दोनों रिजल्ट आएंगे इन दोनों को आपस में घटा देना बेटा, ठीक है बेटा, इन दोनों को आपस में क्या कर देना, घटा देना। तो बताओ 19 में से 19 जाएगा, क्या बचेगा, जीरो जीरो। जीरो जीरो बहुत बढ़िया बेटा, हमेशा मत ऑन करो, हमेशा मत माइक ऑन करो। अगर आपको बताना ही है तो कहाँ पे बताओ, वो चैट सेक्शन में बताओ, ठीक है। चलो, तो 19 में से 19 जाएगा, जीरो आएगा। तो रूल ये कहता है 11 का, ठीक है बेटा, 11 का रूल ये कहता है कि अगर, है ना, 11 का रूल ये कहता है कि अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं अगर आपने दो संख्याओं को घटाया, और वो या तो, है ना, वो या तो 11 या फिर 11 का गुणक या तो जीरो, इन तीनों में से कोई भी हो, तो उसको बोल सकते हैं कि हाँ वह 11 से विभाज्य होगा। तो सही उत्तर कौन सा होगा, तो सही उत्तर ए वाला पार्ट होगा, ठीक। यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, रुको मैं पीछे कर देता हूँ ताकि आप इसको नोट कर सको, ठीक है। बेटा अगर बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है तो आप क्लास को एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, विनीता के नाम से जो भी बच्ची है, विनीता के नाम से जो भी बच्ची है, क्लास को बेटा दोबारा से ज्वाइन करो। सर जी लिख लिया ओके ओके, जी वीरेंद्र, लिख लिया तुमने इतना बार टाइप क्यों किया था सेम चीज, वीरेंद्र के नाम से जो बच्चा है, बताना जरा, क्या ऐसी हरकत दोबारा होगी? नो सर आगे से ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं क्लास में एंट्री भी नहीं दूंगा। अभी तो मैंने दे दिया, बट आगे से ध्यान रखना है इस चीज को। चलो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, देखिए क्या होगा इसका उत्तर। तो मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन में ऑन कर देता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से पढ़ो इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। संजय के नाम से जो बच्चा है, कैमरा बंद करो अपना,
बेटा पढ़ाई होती है तो उठ करके होती है, सो करके पढ़ाई नहीं होती। आप लोग अजीब बात करते हो यार। है अच्छे से उठ जाओ, कॉपी पेन साथ में रखो, इस तरीके से पढ़ाई होती है। क्या सारे बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं? अगर हाँ तो जल्दी से इसको पोल सेक्शन में आंसर कर सकते हैं, ठीक है? पोल सेक्शन में। आपके पास अभी भी 20 सेकेंड का समय है बेटा, ठीक है? 20 सेकेंड तक ये पोल आपको दिखेगा, उसके बाद से हम पोल को बंद कर देंगे। सारे बच्चे इसका आंसर करिए पोल में, ठीक है? लास्ट के 10 सेकंड और, लास्ट के 10 सेकंड और। ओके बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं, ठीक? काफी टाइम हो गया तो मैंने पोल को बंद कर दिया और चैट सेक्शन ऑन कर दिया। सारे बच्चे इसका उत्तर बताइए चैट सेक्शन में कि क्या होगा इसका उत्तर। गुलशन यादव के नाम से जो बच्चा है, सिर्फ एक बार टाइप करो बी, बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, होगा ठीक है? जो भी होगा सिर्फ एक बार वाइट, जो भी टाइप करना है एक बार टाइप करना है, बार बार नहीं, ठीक है? यस। और अभी देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? ओके अब इसको देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है? तो सवाल क्या था? सवाल था 8। फिर इसको मैं यक्स को रेड कलर से बना देता हूं क्योंकि एक्स को निकालना है, ठीक है? 8x 9 है, 4 है, 8 है, फिर 4 है, इस प्रकार से हमें यक्स की वैल्यू बतानी है। तो अब क्या करो, इनको मान लो अगर आप यहां से चलना स्टार्ट करते हो तो पहले वाले नंबर पे आएगा 4, दूसरे वाले नंबर पे आएगा 8, तीसरे वाले पे फिर 4 आने लगेगा, चौथे वाले पे 9 आएगा, पांचवे वाले पे यक्स आएगा और छठे वाले पे बेटा 8 आएगा। तो अल्टरनेट क्रम पे जितने भी लोग हैं इनको जोड़ना स्टार्ट करिए। पहले एक को जोड़िएगा 3 वाले नंबर से, 3 को जोड़िएगा, सॉरी सॉरी 3 को जोड़ना पड़ेगा 5 वाले का। अल्टरनेट पे जोड़ते हैं, आपको भी मालूम होगा। तो एक वाले स्थान पे है 4, 3 वाले स्थान पे है 4 और 5 वाले स्थान पे है यक्स। तो एक्स प्लस 4 प्लस 4, तो इसको लिखा जा सकता है यक्स प्लस 8। ओके बच्चों, अच्छा अब दूसरे वाले अंक जो दूसरे वाले स्थान पे, उसको जोड़ना है चौथे वाले स्थान से और फिर जोड़ना है उसको छठे वाले स्थान से, यानी कि 8 प्लस 9 प्लस 8, 8 और 16 16 और 9, ठीक है? 16 9 कितना होना चाहिए, 15 25, 25 होता है बेटा। देखो ये है यक्स प्लस 8 और ये है 25, इन दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, ठीक है बेटा? इन दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस, क्या होगा? एक सेकंड बेटा,
25 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 5, 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा आपका 18। नहीं, ऐसे मतलब क्या है, 25 है ना, 25 में 5 जाएगा फिर 3, 17, 8, 17, 17, 17 आ रहा है घटाने पर। ठीक है, ये क्या और हो जाना चाहिए, ये क्या और हो जाना चाहिए? छह। हाँ आपकी आवाज बेटा, साफ नहीं आ रही। अच्छा, नहीं तो हम ये बोल रहे हैं कि इसका उत्तर 6 आने की संभावना है, इस तरीके से। एक सेकेंड, यस 6, ठीक है, इसका उत्तर 6 आएगा बच्चों। कैसे आएगा मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे आएगा 6 मैं आपको सिखा देता हूँ, ठीक है, समझिए। यहाँ पे x प्लस 8 था और यहाँ पे क्या था, 25 था। तो हमने ये कहा था कि अगर इन दोनों का आप माइनस करोगे, ठीक है, इन दोनों का आप माइनस करोगे तो जो उत्तर आना चाहिए वो 11 का मल्टीपल आना चाहिए, ठीक है। तो x प्लस 8 एक संख्या है, एक संख्या 25 है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो 25 माइनस x प्लस 8, ठीक है बेटा, 25 माइनस x, ये 8 है तो ये लिख देंगे हम माइनस 8। बताओ 25 में से 8 जाएगा तो क्या लिखेंगे, 25 में से 8 जाएगा बेटा 17 लिखेंगे, है ना, 17 माइनस x। अब बताओ यक्ष में, है ना, यक्ष के सर स्थान पे आपकी सर आवाज नहीं क्या, आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस बाकी बच्चे बताएंगे क्या मेरी आवाज आ रही है? सर, यस सर, ओके, यस सर, सर। तो जिसको अभी को नहीं आ रही थी वो क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, जिसको भी अभी को नहीं आ रही थी क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो। तो हमने ये कहा कि अगर अगर आपको इसके थ्रू 11 प्राप्त करना है तो x के स्थान पे क्या होना चाहिए, तो खुद सोचो बेटा, x के स्थान पे 6 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप 17 में से 6 घटाओगे ना, 70 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 11 आएगा, ठीक है, 70 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 11। तो सही उत्तर कौन सा होगा, डी वाला पार्ट सही होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लो, जल्दी से करो बेटा एक इसको। मिनट रुकना, मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल नोट कर लो। बेटा जब नोट हो जाएगा तो मेरे को एक बार इन्फॉर्म कर देना। सारे बच्चों ने कर दिया इसका हो उत्तर। गया। यस सर। ओके ओके, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा, इसको हम आगे यस कंटिन्यू, चलो ठीक है। चलो अब हम लोग कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। तो क्या सीखने वाले हैं अब हम लोग बेटा, एकिक नियम सीखने वाले हैं, है ना, एकिक नियम। इसको हिंदी में, सॉरी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, ठीक है। चलो देखो, बच्चों ने सही उत्तर देना भी स्टार्ट कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। 15 हाँ बिल्कुल सही बात है, 15 है। चलो अच्छी बात है कि आप सभी को ये सारी चीजें आती हैं। देखो बेटा यहाँ पे लिखा है एक सेब, अब लिखा क्या बना ही है, यहाँ पे एक सेब है, ये दूसरा सेब है। दो सेबों का जो दाम है बेटा वो 10 रुपए है। मान लो आप बाजार जाते हो, ठीक है, बाजार मार्केट में जाते हो और मार्केट में फल की एक दुकान लगी है, ठीक है, एक फल की दुकान लगी है। इस फल से के दुकान से आप दो सेब को लेते हो और उस दुकानदार ने बोला कि इन दोनों ही सेबों का दाम है 10 रुपए। तो बताओ इसी प्रकार से तीन सेबों को लेने पर कितना रुपए देना पड़ेगा? 15। 15 रुपए, बहुत बढ़िया है ना, 15 रुपए। क्यों? क्योंकि जानते हो बेटा, ऐसे देखो, यहाँ पे देखो एक सेब है, ये दूसरा सेब है, इन दोनों का दाम 10 रुपए है, दोनों चीजें सेम है,
इसका मतलब एक सेब का दाम कितना होगा? 5 होगा, और दूसरे वाले सेब का भी दाम कितना होगा? 5 होगा। आप लोग खुद बताओ, एक सेब का दाम 5, दूसरे वाले सेब का भी 5, तभी तो 10 आएगा। तो उस हिसाब से 5 + 5 + 5 है ना बेटा, 5 + 5 + 5 यानी कि 15 उत्तर आएगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा ये देखो कितना इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे एक टमाटर है, एक टमाटर का दाम है 2 रुपए। सर हाँ जी सर हाँ बेटा छह बेटा छह रुपए आएगा। बेटा, ऐसे नहीं, माइक ऑन करके नहीं बताना है आपको, इसका उत्तर देना है चैट सेक्शन में, ठीक है? तो एक टमाटर का दाम सही है, तो है ना सर? देख लेते हैं, एक टमाटर का दाम है 2 रुपए और एक बैगन का दाम है 3 रुपए। तो आपको बताना है एक पूरे टमाटर, आधा टमाटर और एक बैगन का दाम कितना होगा। सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे, चैट में बताइए। बहुत बढ़िया, सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका उत्तर तो 6 आएगा, एकदम सही बात। ₹6। हाँ बिल्कुल सही बात बेटा, इसका उत्तर 6 रुपए आएगा। कैसे? देखो एक टमाटर का दाम था 2 रुपए, 2 लिख दो यहाँ पे, आधा टमाटर है। तो बेटा जब एक टमाटर का दाम 2 रुपए है तो आधे टमाटर का दाम कितना होगा? सिंपल सी बात है, उसका आधा यानी 1 रुपए, तो यहाँ 1 लिख दो, ठीक है 1 रुपए। और एक बैगन का दाम 3 रुपए, तो यहाँ लिख दो 3, 2 1 3 और 3 6, इसका सही उत्तर होगा 6 रुपए। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ओके बच्चों, ओके चलो अब इस वाले सवाल का आंसर बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। इस वाले सवाल का उत्तर बताओ, सवाल बड़ा सीधा सा है। अंगूर लिया गया है और आम लिया गया है, ठीक है? इन दोनों ही चीजों का दाम है, ठीक है, इन दोनों ही चीजों का दाम है 12 रुपए। फिर एक अंगूर का गुच्छा, फिर 2 आम लिए गए हैं और इनका दाम है 16 रुपए, ठीक है 16 रुपए। तो आपको बताना है कि एक आम और 2 अंगूर के गुच्छे कितने रुपए के होंगे? छह ठीक है बताइए बेटा। सागर के नाम से एक बच्चा है, इन्होंने करेक्ट आंसर बताया है, ठीक है? सागर के नाम से जो भी बच्चा है, सर 17। नहीं बेटा 17 नहीं होगा, ध्यान से देखो 17 नहीं होगा, एक बार और प्रयास करो, एक बार और प्रयास करो। सर कैसे होगा 20? 20 होगा बेटा, ठीक है मैं सिखा देता हूँ, ठीक है 20 होगा। सारे बच्चे देखेंगे क्योंकि इस वाले सवाल को बहुत बच्चों ने गलत किया है। आप ऐसे सोचो, ये अंगूर का गुच्छा है और ये आम है, तो मान लेते हैं अंगूर को हमने ग्रेप्स, आखिर जानते होगे आप ग्रेप्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो अंगूर को हमने जी से दिखा दिया, यस सर। और मैंगो होता है मतलब आम, तो मैंगो को हमने एम से दिखा दिया, तो जी प्लस एम का जो वैल्यू है बेटा वो है 12 रुपए। इसी प्रकार नीचे वाला जो संख्या है, ये वाला देखो, ये वाला, ये क्या है? जी ग्रेप्स है प्लस मैंगो प्लस मैंगो बराबर 16 रुपए। इस प्रकार से ये समीकरण 1 मान लो और ये समीकरण 2 मान लो, जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे तो ग्रेप्स से ग्रेप्स कट जाएगा, मैंगो से 1 मैंगो कट जाएगा, यानी कि 1 मैंगो बचेगा। 1 मैंगो का दाम देखो कितना होगा, 16 में से 12 घटाना पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि 2 में से घटा रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं इक्वेशन 1 से, तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 में से 12 जाएगा यानी कि 4, यानी एक आम का दाम 4 रुपए है। अब जब एक आम का दाम बेटा 4 रुपए, तो जी प्लस एम वाले में इसका मान रख दो, एम का मान 4 है, चलो एम की जगह पे 4 रखो, 4 रखो, तो जी बराबर क्या हो जाएगा? 12 - 4, क्योंकि अपना साइड चेंज करेगा, तो 12 में से 4 जाएगा कितना आ जाएगा? 8, यानी कि जो ग्रेप्स का दाम है वो कितना हो जाएगा? 8, जो ग्रेप्स का दाम है वो कितना हो जाएगा? 8। अब ध्यान से देखना, आम का दाम है 4 रुपए, ग्रेप्स का दाम है 8 रुपए और यहाँ भी 8, तो 8 8 16 और 16 4 20, 20 रुपए इसका आंसर है। किसको किसको समझ में आ गया?
गया। शर्त कसम चाहिए हो। ठीक है, फिर से समझा देते हैं, बाकी लोग बताएंगे। यस सर, आ गया। ओके, देखो हमने क्या किया, हमने पहले वाले इक्वेशन से सॉल्व किया। पहला वाला जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो। पहला लिखा है ग्रेप्स प्लस मैंगो, यानी जी प्लस एम, और इसकी वैल्यू दी गई है 12। फिर देखो नीचे वाला क्या लिखा है, जी प्लस एम प्लस एम, और इसकी वैल्यू दी रखी है 16। हमने दो में से एक को घटा दिया, तो जब दो में से एक को घटाओगे, आप ध्यान से देखना, दो में से एक को घटाओगे तो जी से जी कट जाएगा, ठीक है, जी से जी कट जाएगा और एम से एम कट जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। बचेगा क्या बेटा, सिर्फ और सिर्फ यम बचेगा, एम। अब 16 में से क्या करना पड़ेगा, 12 को घटाना पड़ेगा, ठीक है। आखिर जब आप दोनों में से घटा रहे हो तो 16 से 12 घटाओगे, तो जब 16 से 12 घटाओगे क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और ये एम बचा था, हमने यहाँ पे एम लिख दिया ऐसे, यानी एम का मान 4 आ गया। अब दिए गए एम का मान यहाँ पे रख दो, यहाँ पे देखो 4 आ गया। अब इसको उस साइड ले जाओगे तो -4 हो जाएगा, -4, 12 में से 4 जाएगा, कितना आता है, 8 आता है। तो ये तो हो गया जी का मान, ये जी का मान हो गया, और ये क्या हो गया, ये एम का मान हो गया, ठीक। अब यही चीजें मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, 4 रुपए इसका दाम है, 8 रुपए इसका दाम है, इसका दाम 8 8 16 4 20, ठीक है बच्चों, ये हो गया। सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, आ गया। ओके। अब हम इसको बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन में एक सवाल पूछ लेते हैं, आप सभी लोग इसका उत्तर करिएगा, ठीक है, सारे बच्चे इसका उत्तर करिएगा पोल सेक्शन में। सर मेरे में नहीं आया सर अच्छा, पोल अभी तक नहीं आया क्या? जी, पॉल सेक्शन नहीं आया। अच्छा, एक बार दोबारा से चेक करो, एक बार दोबारा से चेक करो बेटा। अरे मैं सर नहीं आया सर, ठीक है, अगर नहीं क्या आया नहीं आया क्या? तो, अगर नहीं आया तो क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए, अगर नहीं आया तो क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए। सर एक मिनट रुक। कोई भी बच्चा माइक मत ऑन करिए। पावर टेकर इस काम कर, पंकज राजपूत माइक बंद करो बेटा, हाँ माइक बंद करो इस तरीके से, ठीक। सर जो हाँ जी, ये आप सवाल करवाते हो कॉपी में करनी है। सर हाँ बिल्कुल, कॉपी में करने बेटा, ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं। मैसेज कितने बजे जाऊंगे? क्या बोल रहे हो, मैसेज कितने बजे जाऊंगे सर? क्या मैसेज मैसेज? अच्छा, अभी नहीं जा सकता, अभी मैंने बंद किया हुआ है, अभी के लिए तुमको उत्तर देना पड़ेगा पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में जाओ। हाँ हेलो सर, जी, जो आपके वीडियो का लिंक है कहाँ पे सर? हाँ, कहाँ पे ये मिल सकता है? यूट्यूब के वीडियो का लिंक। हाँ यस सर, ठीक है, हाँ बेटा, क्लास के बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि सर मेरे बीच में क्लास मिस हो गई है। नहीं अच्छा, कौन सी वाली, पिछली वाली क्या, पिछली वाली क्लास मिस हो गई है क्या? नहीं नहीं पिछले से पिछले वाली। अच्छा, ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अभी, ठीक है। सर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वहां पे आपको पूरे के पूरे लेक्चर देखने को मिल जाएंगे जो भी मेरे पढ़ाए हुए हैं। ठीक है सर, दे देना।
टाइम लगेगा सर, यूट्यूब का लिंक भेज दो। माइक मत ऑन करो, माइक मत ऑन करो। चलो बच्चों, अब हम कॉल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चुप रहो। सारे बच्चे आंसर करिए कॉल सेक्शन में। बच्चे आंसर करिए। ओके, सारे बच्चे बोले सर इसका आंसर 40 आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे आलू बना है, एक आलू और ये दूसरा आलू। इन दोनों ही आलूओं का दाम जो है बेटा वो 20 रुपए है। तो इसी प्रकार के अगर चार आलू हों तो इनका दाम कितना होगा? सिंपल सी बात है, अगर दो आलू का दाम 20 रुपए है ना, इन दोनों का दाम 20 भी होगा और इन दोनों का भी दाम क्या होगा? 20 होगा। तो 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40। या तो आप ऐसे लगा लो, या तो अगर दो आलूओं का दाम 20 रुपए है तो एक आलू का दाम कितना होगा? तो बेटा एक आलू का दाम 10 रुपए होगा। और इसी प्रकार से 10 आलू है, सॉरी 4 आलू है, 10 × 40, ये वाला उत्तर सही होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ बेटा। ठीक है, इस सवाल को आंसर करिएगा आप सभी लोग पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। चलिए तेरे सवाल समझ में नहीं आया, मतलब क्या? मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक सलजम बना हुआ है और इस एक सलजम का, ठीक है, सॉरी सलजम जो है वो 12 रुपए पर किलोग्राम, ये जो लिखा हुआ ना 12 रुपए और इस प्रकार से लिखा है, तो ये इसका मतलब है कि अगर 1 किलोग्राम आप लोगे सलजम तो ये कितने का मिलेगा? 12 रुपए का मिलेगा। और 1 किलो अगर कद्दू लोगे तो बेटा वो 14 रुपए का मिलेगा। तो एक कद्दू, आधा कद्दू, इसमें से घटा देना है ये जो सलजम का प्राइस है, तो बताओ उत्तर कितना आएगा? ये है सवाल। सवाल समझ में आ गया? सवाल समझ में आ गया? नो सर। बेटा आपको बताना है एक पूरे कद्दू का दाम, सुनो क्या करना, एक पूरा कद्दू का दाम प्लस उसका आधा कर देना, आधे कद्दू का दाम जोड़ देना, जो भी उत्तर आएगा उसको घटा देना सलजम के दाम में से। देखो यहाँ पे चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो चिन्ह है ना, ये वाला चिन्ह, ये माइनस का है, घटाव का है। ठीक है, और अगर अभी भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको सिखा दूंगा। ना माइक बंद करो सर, नो माइक बंद करो, सभी माइक बंद करो। बेटा आप सुन नहीं रहे हो, फिर हमने बोला माइक बंद करो। सर माइक बंद, लिख देना। ओके बच्चों, 10 सेकंड और, ठीक है, 10 सेकंड के बाद हम पोल को बंद कर देंगे। शराटे। शराटे। बेटा ऐसे नहीं बताना उत्तर, आपको पोल में आंसर करना है, ये तो गलत बात है।
हाँ जी बताइए, क्या हुआ? सवाल और कराओगे ना क्या? हाँ बिल्कुल, अभी पहले इसको इसको पहले बता देते हैं। चलो बच्चों हमने ठीक है यार, सर, कराते रहो, मुझे आ रहा है हाँ सर, चैट आपकी आवाज नहीं आ रही। चैट सेक्शन में आप इसका उत्तर दीजिए, चैट सेक्शन में। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटा क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लो, क्लास को दोबारा को दोबारा से ज्वाइन कर लो, ठीक है? ओके अब इस सवाल को हम करवा देते हैं, ठीक है? जो भी बच्चे नहीं समझ पाए थे उस सवाल को देख लीजिए। देखो आप, हमको लगता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इस वाले स्टेटमेंट से। देखो ये कुछ भी नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है? ये लिखा है 12 रुपए पर केजी। पर केजी का मतलब होता है 1 किलोग्राम अगर लोगे आप तो 12 रुपए लगेंगे। तो अभी के लिए एकदम भूल जाओ इस चीज को। अगर आपने सिर्फ इतना भी कंसिडर कर लिया तब भी आप इसका उत्तर बता पाओगे, ठीक है? अगर आपको ये थोड़ा टफ लग रहा है तो केजी जो लिखा हुआ है भूल जाओ, ठीक? अच्छा इसके बाद से क्या होगा, कद्दू का जो दाम था वो 14 रुपए था, तो बेटा यहाँ 14 लिख दो। और फिर देखो ये कद्दू का आधा लिया गया है, हाफ पार्ट लिया गया है, तो जब 14 रुपए पूरे पार्ट का है तो हाफ पार्ट का क्या होगा, 7 रुपए। और माइनस करना है इस शलजम की प्राइस को, शलजम का प्राइस कितना था, 12, 12 लिख दो यहाँ पे। अब देखो 14 और 7 होता है 21, और 21 में से 12 जगह कितना आता है बेटा, 9 आता है। सही उत्तर कौन सा वाला होगा, सी वाला पार्ट सही होगा, ठीक है बेटा? सी वाला पार्ट सही होगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर, जिसको भी दिक्कत थी बेटा पूछ लो हमसे, है ना? सबको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया। ओके बच्चों तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, अब आप क्लास को लीव करके जा सकते हैं, लेकिन अगर कुछ डाउट है आपका तो पूछ सकते हैं।